इंदौर वुमेन्स प्रेस क्लब द्वारा शनिवार को इंदौर में हैशटैग मीटू पर एक संवाद का आयोजन किया गया, जिसमें पत्रकारों, वकीलों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अपनी राय रखी। सोशल मीडिया पर इन दिनों मीटू ट्रेंड वायरल हो रहा है। इसमें वह लड़की जिसके साथ कभी उसके कार्यक्षेत्र में अभद्रता हुई या कहीं और वह शोषण का शिकार हुई है, तो वह अपनी बात हैशटैग मीटू कर रखती है। हाल ही में कई बड़े पत्रकारों, फिल्म अभिनेताओं पर भी यौन शोषण का इल्जाम लग चुका है, जिसको देखते हुए इस संवाद का आयोजन किया गया, जिसमें सभी वक्ताओं ने अपनी बात बड़ी ही बेबाक शैली में रखी। ये जो अभी हाल मी टू को लेकर जो कोरस राग शुरू हो गया है इस देश में, ये ठीक परंपरा नहीं है इस देश के लिए। मैं फिल्म इंडस्ट्री को कोई बड़ा पूजनीय स्थल नहीं मानता हूं, और वहां पर देखिए, आप इस बात को समझ लीजिए कि इस देश के 3-4 हिस्से हैं जो अलग अलग संस्कारों से जुड़े हुए हैं। जो आवाज़ें उठ रही हैं बहुत ज़्यादा फिल्म इंडस्ट्री पर उठ रही हैं, और उसका सबसे ज़्यादा आनंद अगर कोई ले रहा है तो मैं सोचता हूँ न्यूज़ चैनल ले रहे हैं। उनको बड़ा मज़ा आ रहा है, उनको इससे मतलब नहीं है कि उसने किस पे मीटू में उपयोग किया है या किसके लिए नहीं किया है। वो केवल अपने TRP बढ़ाने के चक्कर में वो सब के पीछे पड़ गए। अभी कोई आश्चर्य की बात नहीं कि जो लोग आज अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, हो सकता है जब उन पर कल उंगली उठे तो वो खुद भी मैदान में आ जाए। ये ठीक परंपरा फिल्म इंडस्ट्री के लिए तो हो सकती है, क्योंकि वहाँ ये सब चीज़ें, देखिए कलाकार का जो विषय होता है, कलाकार जो फिल्मों में काम करता है या जो चैनलों में लोग काम करते हैं, जो लड़के जो लड़कियाँ काम करते हैं, जो हीरो हीरोइंस काम करते हैं, उनके बीच में एक आत्मीय लगाव अपने आप समय के साथ हो जाता है। और अगर ऐसा कुछ घट रहा है तो वो उस घटने के लिए दोनों ही पक्ष अपने अपने जवाबदार होते हैं, और बहुत सारे लोगों के परिवार इसी के बीच में बन गए हैं, वहाँ समर गए हैं। पूरी दुनिया की, पूरे देश के लिए अभी विषय केवल मीटू ही हो गया है। सवेरे चैनल चालू कर दो आप तो बस दो लोगों का चालू हो गया था, आज भी शादी को और उनका शुरू हो गया है, सवेरे से चालू हो रहा है। पर एक विषय पर अभी हाल कीर्ति भाई ने भी, जो अभी हाल शीतल जी ने एक लेख पढ़ा और कल्पेश जी का जिक्र आ गया, इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको, माफ़ करिएगा। पत्रकारिता में या राजनीति में या शिक्षा के सदन में बैठा व्यक्ति अगर वो शिखर पे बैठा है, तो हम हमारी बेटी को केवल इस विश्वास से भेजते हैं कि इसमें पिता की भूमिका होगी, और उसका दायित्व होता है कि वो उस पिता की भूमिका में होना चाहिए। एक अखबार का संपादक जो है, मेरा अपना 35 साल का जीवन है, मैं एक अखबार के संपादक की ऐसे ऐसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक बेटी के पिता होने की नाते बात कर रहा हूँ कि मेरे यहाँ काम करने वाले बच्चे या मेरे यहाँ काम करने वाली लड़कियों को अगर मैं गलत नज़र से देख रहा हूँ संपादक की हैसियत से बैठकर, तो शायद मैं सोचता हूँ कि मैं अपनी बेटी की तरफ गलत नज़र डाल रहा हूँ, क्योंकि संपादक हमारे लिए बड़े भाई की तरह। बाकी सब पदों में आपस में झगड़े हो सकते हैं कि यहाँ पर प्रतीक भाई बैठे हैं, संपादक के नीचे सब आपस में लड़ लेते हैं, पर जब संपादक का नाम आता है तो शायद मैं सोचता हूँ बहुत आदर से लिया जाता है और आज संपादक की बात गंभीरता से सुनी जाती है। वही वुमेन्स प्रेस क्लब अध्यक्ष द्वारा कहा गया कि 20 साल पुराने मामले को अब बताना कहाँ तक जायज है, उस टाइम क्यों आवाज नहीं उठाई गई ताकि उसी समय निर्णय हो जाता। इससे ज्यादा तो वह गांव की महिला ज्यादा सक्षम है, जिसके साथ यदि कुछ होता है तो उसी समय वह मुंह तोड़ जवाब देकर आरोपी को थाने ले आती है। मीटू का कई लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं मीडिया में पूरी तरह, इसमें से भी जो पत्रकार प्रभावित हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हर महिला को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। जैसे हम कहीं जाते हैं या अभी आप ऑफिस में देखें, जो संपादक हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, हम उनके साथ पहले सहज बैठ के बात कर लेते थे, अभी कहीं ना कहीं वो ऐसा लगता है कि अरे पता नहीं क्या आरोप लगाएगी। चूँकि हम पत्रकार हैं तो हर तरह की खबरें, हम रेप के बारे में भी खुल के बात करते हैं, हरेसमेंट के बारे में खुल के बात करते हैं, खबर लिखते हैं, बहुत सारी चीज़ें बात करते हैं, तो अभी बात करने से भी घबरा रहे हैं। उनको लगता है कि पता नहीं ऐसे में कौन सी बात कर दूँ जिसका फायदा ये मतलब उठा ले। और एक अगर कोई महिला पीड़ित हुई है तो उसका एक मजाक बना के रख दिया गया है, मतलब